कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है, मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई, अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए, महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं बहनों बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे, वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी।